आजमगढ़ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख जिला है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 270 किलोमीटर दूर है। आजमगढ़ शहर के बीचों बीच से तमसा नदी बहती है, जो इस शहर की मुख्य नदी है। यह शहर आदि काल से ही ऋषि मुनियों, विद्वानों और स्वतंत्रता सेनानियों की जन्म स्थली रही है। आजमगढ़ का अतीत ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत गौरवशाली और महिमा मंडित रहा है। आजमगढ़ का नाम देश विदेश में अनजाना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित आजमगढ़ जिले के साथ साथ एक संभाग भी है, जिसमें बलिया, मऊ और आजमगढ़ जिले शामिल हैं। बताते हैं कि इस शहर की स्थापना लगभग 1665 में विक्रमजीत के पुत्र आजम खां ने करवाई थी। आजम खां के नाम पर ही यहां का नाम आजमगढ़ पड़ा था। आजमगढ़ शहर को 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में सृजन किया गया था, और इस जिले में 8 तहसीलें शामिल है, जैसे लालगंज, सदर, सगड़ी, मेहनगर, बूढ़नपुर, निजामबाद, मार्टिनगंज व फूलपुर है, जिसमें सबसे बड़ी तहसील निजामबाद है। साथ ही आजमगढ़ में 22 ब्लॉक, 10 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट है। इनके अलावा 2 नगर पालिका और 11 नगर पंचायत भी है। आजमगढ़ शहर अपनी संस्कृति, साहित्य और शिक्षा के लिए आरंभ से ही मशहूर रहा है, क्योंकि आज भी यहां से तमाम राजनेता, प्रशासक, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार और खिलाड़ी देश दुनिया में अपने नाम का डंका बजाते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव भी यहीं की देन हैं। साथ ही चंद्रजीत यादव, अमर सिंह जैसे तमाम चर्चित राजनेता भी यहीं की पैदाइश हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में कई शैक्षणिक संस्थान भी हैं, जिनमें बुनियादी शैक्षणिक संस्थानों से लेकर उच्च संस्थान तक शामिल हैं, और कई आईटीआई, पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेज भी हैं। दोस्तों, आजमगढ़ जिले का क्षेत्रफल लगभग 4054 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं साल 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार आजमगढ़ जिले की कुल जनसंख्या 46 लाख के लगभग थी, और साक्षरता दर 86% थी। अगर आजमगढ़ जिले के पड़ोसी जिलों की बात करें तो आजमगढ़ की सीमाएं जैसे गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और मऊ जिले की सीमा से लगी हुई है। आजमगढ़ में अनेक उद्योग भी है, जैसे चीनी की मिलें एवं वस्त्र बुनाई यहां के प्रमुख उद्योग हैं। साथ ही यह शहर कृषि प्रधान जिला है, यहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। यहां की मुख्य फसलें चावल, गेहूं और गन्ना है। दोस्तों, यह शहर कई खूबसूरत दर्शनीय स्थलों से भी घिरा हुआ है, जैसे भवरनाथ मंदिर। यह मंदिर आजमगढ़ शहर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में शिवलिंग विराजमान है, और इस शिवलिंग की खास बात यह है कि शिवलिंग की जलहरी चांदी से बनी हुई है। यह आजमगढ़ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप चंद्रमा ऋषि आश्रम देखने जा सकते हैं। यह आजमगढ़ का एक धार्मिक स्थल है, और यह जगह काफी प्राचीन है। यह मंदिर तमसा और सिलनी नदी के संगम पर स्थित है। यह जगह बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा आप महर्षि दुर्वासा का धार्मिक स्थल देख सकते हैं। यह जगह फूलपुर तहसील के अंतर्गत आती है। यह जगह दुर्वासा नाम के गांव में है। यहां पर तमसा और मगही नदी का संगम हुआ है। यहां पर आकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यहां पर महर्षि दुर्वासा जी का आश्रम देखने के लिए मिलता है। यह जगह प्राकृतिक रूप से सुंदर है। दोस्तों, आजमगढ़ शहर सड़क मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। साथ ही यह रेल मार्ग से भी प्रमुख शहरों व स्थानों से जुड़ा हुआ है। यहां से सीधे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, सूरत के लिए ट्रेन जाती है। दोस्तों, अगर आपको अपने शहर या जिले की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।